Subscribe the channel to get more videos on civil services. दोस्तों अगर आप आईपीएस ऑफिसर के यूनिफॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आईपीएस ऑफिसर की यूनिफॉर्म बाकी पुलिस वालों से थोड़ी अलग होती है। और जैसा कि आपने नोटिस किया ही होगा कि आईपीएस ऑफिसर के यूनिफॉर्म में कॉलर के दोनों टिप में ब्लैक कलर की एक चीज होती है। तो क्या आपको मालूम है ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या ये सारे आईपीएस ऑफिसर के यूनिफॉर्म में एक जैसा ही होता है या नहीं? तो इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन। दरअसल इसे कॉलर टैब्स या गॉर्जेट पैचेस कहा जाता है और हिंदी में गॉर्जेट का मतलब होता है माला। और ये ब्लैक कलर की नहीं बल्कि नेवी ब्लू कलर की होती है और आर्मी ऑफिसर्स के कॉलर टैब रेड कलर के होते हैं। और इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे अन्य देशों के आर्मी ऑफिसर भी इसे अपने कॉलर पर लगाते हैं। और गॉर्जेट पैच ये दर्शाता है कि ऑफिसर एक हायर रैंक का ऑफिसर है। गॉर्जेट पैचेस या यू कहें कॉलर टैब्स की शुरुआत गॉर्जेट से हुई। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गॉर्जेट पुराने जमाने की एक आर्मर है जिसे सोल्जर्स अपने गर्दन बचाने के लिए पहना करते थे। पर समय के साथ वेपन्स एडवांस होती गई जिस कारण गॉर्जेट का उपयोग होना बंद हो गया। पर गॉर्जेट को दर्शाने के लिए ऑफिसर्स अपने कॉलर पर गॉर्जेट पैचेस लगाने लगे और बाद में ये केवल डेकोरेटिव पैचेस ही बनकर रह गए। यानी आज ये केवल यूनिफॉर्म को डेकोरेट करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। और गॉर्जेट पैचेस को इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। आईपीएस ऑफिसर्स को अपने करियर के शुरुआत में कॉलर टैब्स नहीं दिया जाता, पर जब आईपीएस ऑफिसर्स एसएसपी या उससे ऊपर की रैंक में पहुंचते हैं तो इनके यूनिफॉर्म में कॉलर टैब्स देखने को मिलता है। और कॉलर टैब्स पर गवर्नमेंट एक रूल भी बना चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपको आईएएस और आईपीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। As per the Indian Police Service Uniform Rules 1954, सारे IPS officers के gorget patches navy blue color के होते हैं और SSP और DIG rank के IPS officers के gorget patches पर silver color की एक line बनी होती है जिसके end में एक button होता है जिस पर IPS का logo बना होता है। And as per the rules, gorget patches ऊन से बने होने चाहिए और IG या इनसे higher rank के IPS officers के gorget patches में line ना होकर के oak leaf की pattern बनी होती है। और जब IPS officers के uniform में gorget patches आते हैं तो इनके यूनिफॉर्म में और भी कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि उनके कैप में डार्क ब्लू कलर की पट्टी के साथ आईपीएस का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लोगो आ जाता है। खैर ये वीडियो सिर्फ गॉर्जेट पैचेस के ऊपर है तो हम इस वीडियो में सिर्फ गॉर्जेट पैचेस की ही बात करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि गॉर्जेट पैचेस को दुनिया भर में बहुत नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ सीनियर आईपीएस ऑफिसर मिलिट्री के गॉर्जेट पैचेस पहन लेते हैं और ये ऐसा क्यों करते हैं ये मुझे तो नहीं मालूम, पर द इंडियन पुलिस सर्विस यूनिफॉर्म रूल्स 1954 की माने तो इसमें सिर्फ दो तरह की गॉर्जेट पैचेस की बात की गई है, यानी एक सिंगल लाइन और दूसरी ओक लीफ पैटर्न वाली गॉर्जेट पैच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गॉर्जेट पैचेस की अच्छी समझ आ गई होगी। और अगर आपके किसी दोस्त का सपना आईपीएस बनना है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उसे अपने फ्यूचर यूनिफॉर्म के बारे में थोड़ा और जानने को मिले। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।